चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ मेथड काउंट नेम, यानी काउंट नाम का फंक्शन डिस्प्ले कराना है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास होना है. टू फाइंड एंड डिस्प्ले दोज नेम्स इन विच देयर आर मोर देन 7 कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ नेम है, आपको केवल उन नेम को डिस्प्ले कराना है जिसमें मोर देन 7 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं पाइथन पर. इसके लिए हम लोगों ने पाइथन की आईडी ओपन की. ठीक, आसान सा प्रोग्राम है. क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ, जो फंक्शन का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है काउंट, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करने वाले हैं, नेम. क्लियर. चलिए अब इसके बाद हमको लिस्ट फंक्शन की डेफिनेशन में क्या करना होता है, जो भी प्रोग्राम है हमारा, जो भी फंक्शन फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, वो कहाँ डेफिनेशन में लिखेंगे. तो मुझे क्या करना था कि लिस्ट को चेक करना था, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को चेक करना था. ठीक है, तो लिस्ट हमको कहाँ मिलेगी, लिस्ट हमारे पास कुछ नेम की एग्जाम्पल की लिस्ट है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं. तो मैं यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन नेम, नेम नाम की लिस्ट है. ठीक है, हम उसको कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन कैपिटल में है तो कैपिटल में ही रखिएगा जैसा है इन नेम. ऐसा करने से एक एक एलिमेंट उस लिस्ट का निकल के मेरे पास आई में आ जाएगा. ठीक, मैं यहाँ पर एक लूप लगा देता हूँ, लूप क्या, एक कंडीशन दे देता हूँ इफ में, इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 7. ठीक, अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, लेंथ ऑफ आई, यानी आई वाले एलिमेंट की लेंथ फाइंड करें, और अगर उसको कंपेयर किया जाए, अगर वो 7 से ज़्यादा हो तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे उस आई को. बस इतना ही मेरा इसमें प्रोग्राम था. ठीक है, बाहर आते हैं. इस फंक्शन से पहले हमको नेम नाम की लिस्ट बनानी है. नेम नाम की मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली. ठीक है, ये लिस्ट हमने कॉपी कर रखी थी टाइम बचाने के लिए, और ये लिस्ट हमने एज इट इज पेस्ट कर दी. ठीक है, फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूँगा, यहाँ देखिए कहीं कोई एरर आ रही है, इसके लिए सिंगल कोट, इसके लिए भी सिंगल कोट, यहाँ के लिए भी सिंगल कोट, और यहाँ के लिए भी सिंगल कोट हो गया. ठीक है, कहीं कोई डबल कोट तो नहीं शुरू हुआ है, देख लेते हैं लिस्ट पेस्ट करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है. लिस्ट को आपको एज इट इज रखना है. ठीक है, और ये हो गया. अच्छा, सिंगल कोट कहीं दिक्कत कर रहा होगा, हाँ ऐसा ही था. ठीक, अब चलिए ठीक हो गया लिस्ट. अब फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन है काउंट नाम का, और इसके अंदर उसी लिस्ट को, नेम लिस्ट को पास कर दूंगा. ठीक है, अगर मैं इसको रन कराता हूं, इसको किसी भी नाम से सेव करना पड़ेगा. मान लीजिए मैं ए नाम से सेव कर देता हूं, A1 नाम से सेव कर देता हूं. इनवैलिड सिंटैक्स, यहां पे क्या आया है, इफ एक ज़्यादा लग गया है. ठीक है, ये आई का हो गया और ये इसका हो गया. ठीक, एक ब्रैकेट ज़्यादा क्लोज कर दिया था मैंने. ठीक, देखिए आपका आउटपुट सामने है. इस आउटपुट के लिए मुझे क्या प्रोग्राम चाहिए था, अब इसमें से ये जो लिस्ट थी, देखिए जीरो इंडेक्स, यानी आई के, आई में पहले क्या आया होगा, विवेकानंद, इसको चेक किया, इसमें 7 करेक्टर से ज़्यादा है तो इसको डिस्प्ले कराया. इसमें देखिए 7 करेक्टर से ज़्यादा नहीं है, इवन 7 करेक्टर वाला भी डिस्प्ले नहीं होगा. जैसे राजवीर में एग्जैक्टली 7 करेक्टर हैं लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं किया, जिसमें 7 करेक्टर से ज़्यादा है केवल उसी को डिस्प्ले किया. तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.